भाई आज अकड़ के इसलिए बैठा है कि भाई ने एक और नई शर्ट पहनी। दिलजीत ने भी इतना ही नीला सूट पहना। हाँ एक बार चपेट वैसे होती ना तो मैंने जाके हैदर को चपेट लगा दी। हर बार था ठीक है, मुंह तो गल नहीं करी जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हैदर और ये है सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रास डायरी। भाई आज अकड़ के इसलिए बैठा है कि भाई ने एक और नई शर्ट पहनी है। तो आपने बताना है, वो शर्ट जब नई होती है ना उसको स्टार्च लगा होता है, माया लगा होता है, तो अकड़ी सी होती है। तो भाई भी ऐसे अकड़ के बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो जब तक ये लूज नहीं होती तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। आपने बताना है भाई कैसा लग रहा है। हाँ बता दीजिएगा। हाँ प्लीज कमेंट पढ़ रहे हो, मुस्कुराते रहते हैं भाई की नई शर्ट कैसे लग रही है। और इस दफा ना जब कमेंट्स पढ़ रहे होंगे ना तो मैं इसकी वीडियो बना के ना कहीं वो भी इतने प्यारे कमेंट्स, इतना प्यार देते हैं आप लोग, तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे के ऊपर, है ना। अच्छी बात है, अपने सब्सक्राइबर को हमें वैल्यू करना चाहिए, करते भी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो हम अब करने क्या जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आगे से करने तो जा रहे हैं, ये आपने बड़ा चुटिया का स्टाइल बनाया है, ये बड़ा डिफरेंट है, ये क्या किया आपने। ये मैंने अम्मा से इम्प्रेस होके बनाया है। अच्छा। अम्मा ने अपनी वीडियो में बनाया हुआ था तो मैंने, उन्होंने ना हर किसी की नासों में ना याद आ गया, लेकिन जी लुक सो क्यूट, तो आई ट्राइड कि मैं उनकी तरह के बाल बना लूं। खैर वो तो अल्टीमेटली क्यूट लग रही थी, लेकिन चले ट्राई किया जाता है। तो जी आज हम करने जा रहे हैं फितूर, जो के हो गए एक आग बुगुला किस्म का। ओह यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर एपिसोड ऐसे डूज डस, ऊपर से दो दो एपिसोड दे रहे, इतना मसाला देते हैं ना कि समझ ही नहीं आता। तुसी बढ़िया गल्ला करते सो, हेलो ए प्याज है मसाला। हां तो यहां पे आपने कुछ नहीं रखना, हमारा कैमरा हिल जाता है। अच्छा अच्छा जी, सॉरी सॉरी। तो खैर आपको कैसी लगी इस दफा। मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक अच्छा, मैंने दो तीन चीजें, दिलनशी इज वो बिल्ली नहीं होती जो वाइल्ड हो जाती होती है, वो बनी हुई है। हर किसी को नोंदरा मार रही है, हर किसी को नोंदरा मार रही है। क्या हो गया मेरी उल्टू को। एक बात बोलूं, दिलजीत ने भी इतना ही नीला सूट पहना हुआ। हाँ ऐसी है, ओदी भी तारे तारे से ने थे। तारे थे फुल निकल आए ने। साडा माली चंगा सी, उन्हें इतना पानी दिता फुल ही निकल गया पूरे शर्ट के ऊपर। हाँ तो बड़े मज़े की एपिसोड थी, दोनों एपिसोड्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो जी दिलनशीन तो पागल हो चुकी हुई है। हैदर भाई, दिलनशीन बाजी, इनका तो बस वैसे ना वो कहते ना इट कुत्ते का वैर हो गया हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही है अब वो इतना ज़्यादा, यानी एग्रेसिव हुई है उसकी ना एक्सट्रीम साइड्स है। जब वो सबमिसिव थी, जब वो ऐसे मजलूम थी तो इंतहा की मजलूम थी। अब वो जिस तरह नहीं, उसको लगा कि इफ शी विल बिहेव लाइक दिस तो डेफिनेट उसका घर बच जाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको इंड्यूस किया हुआ था उसके जहन में कि इफ शी बिहेव्ड सबमिसिवली उसका घर बच जाएगा। उन्होंने कहा फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी मेरे को चढ़ी जा रहे हैं इल्जाम लेता, चपेड़े लेता। एग्जैक्टली, इल्जाम के अलावा घर के सामने सौतन ला के बिठा दी यार, औरत सब बर्दाश्त कर सकती है। वो भी बर्दाश्त की है, वो भड़की जब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, जब आपने उसकी इंतहा कर दी, हैदर ने उसको जलील किया, मैमल तो कर ही रही थी ना दिन रात, फिर इंतहा हो गई जब सास ने किया, और उससे भी इंतहा हो गई जब उसके घर चले करने के। देखिए हमजा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए जागा जब उसको वहां से इज्जत मिली। देखिए बात मोहब्बत की नहीं होती, सही बात है, इज्जत की होती है। दूर भी इसलिए गई थी कि उसकी बेइज्जती की थी उसके माँ बाप ने। अब यहाँ पर भी वो सौतन बर्दाश्त कर रही थी मगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर रही थी, प्यार बहुत मिला ना पहले शुरू में। एग्जैक्टली, जिस तरह हैदर बड़ी कदर करता था, सास उसको सर आंखों बिठाती थी, कहती थी तू ही सब है, तू ही सब। उसने कहा ना मेरा शौहर, ना मेरी सास मेरी, ना मेरा घर वाले मेरे। और यू राइट के हमजा ने वो जो एक स्मार्ट कार्ड प्ले किए, जो कहता है कि मेरे लिए ना दिलनशी की इज्जत सबसे आगे है, इस तरह करके उसने कुछ बोला था। तो वो उसी चीज से वो डिप्राइव थी। हाँ, वही चीज उसको मिल गई, भले भले। अच्छा एक चीज आप मुझे बताएं, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इस एपिसोड में सबने देखा होगा कि हमजा बुलाता है दिलनशीन, जाती है। हमने पहले भी आपको याद होगा एक दफा डिस्कस किया था कि दिलनशीन जब पहले भी उसके साथ गाड़ी में बैठ के गई थी, वहां तक चलो समझ आती थी कि उसने उसको मना करना था, कुछ करना था। आप मुझे बताएं, आप मुझसे पूछ रही हैं, नहीं मैं आपसे पूछू पहले, आपसे फिर आपसे पूछूंगी। आपको लगता है कि दिलनशीन को हमजा से मिलने जाना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए अगेन मैं उसका उसके जाने के पीछे कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। एक इंसान होता है उसका थॉट प्रोसेस ना काम करना बंद कर जाता है, वो गलती कर जाता है ऐसे मौके पे। जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो चली गई है, अगेन उस एक्ट को मैं आइसोलेशन में नहीं देख सकता, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है।
क्योंकि देखो उसको हर तरफ से धुतकार मिल रही है। एक शख्स है, अच्छा वहाँ जाके भी वो दिखाती है कि वो कहती है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वन ही वॉज अबाउट टच हर, जब टच ना मैं पहले ऐसी थी ना मैं ना अब ऐसी हूँ, वो कहती है मैं तुमसे अफेयर नहीं चला रही हूँ। देखिए एक बताऊँ आपको सिद्धरा बात, माँ चिपेड़े मार रही है, शौहर से चिपेड़े पड़ रही है, सास महमल की कच्छ में बिठा के बैठी हुई है। आपको ना चंद मीठी बातें करने के लिए, दिलासा देने के लिए कोई शोल्डर चाहिए होता है, मे बी वो आपका एक्स ही क्यों ना हो। तो जब एक सारे आपके खिलाफ हो तो फिर इंसान कहता है चल कोई तो मुझसे चार बातें अच्छी कर ले। यानी आप कह रहे हो कि वो गई है तो वो जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, जाना नहीं चाहिए था उसको, लेकिन आपने कहा है कि वो जस्टिफाइड इस वक्त लग रहा है। ये आप लोगों ने मुझे बताया क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। मेरे ख्याल से ना जाती तो अच्छा था, मेरे ख्याल से चाहे जो भी कॉन्टेक्स्ट था उसको जाना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से अब जो दिलनशी कर रही है वो गलत है, क्यों, क्योंकि अगर उसको लगता है कि हाँ ठीक है अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, ठीक है मिलती नहीं, लेकिन उसके साथ कहती है हाँ ठीक है यार लेट्स एंड लेट मी एंड दिस चैप्टर एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद यू, मेरे ख्याल से उसको क्योंकि अब हैदर ने देखा है शायद कहीं पे एक मार्जिन था कि चीजें अब देयर इज नो टर्निंग बैक। मैं ये नहीं कह रही, ब्लैटेंटली सामने आ चुकी है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि हैदर ने जो किया ठीक किया, लेकिन समटाइम्स आई बिलीव के बहुत कुछ होने के बाद भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो ये वाला जो स्टेप था ना इसके बाद तो देयर इज नो टर्निंग, तो आई बिलीव नहीं जाना चाहिए था। चाहे जो भी पीछे उसके से हुआ, अग्रीड, पहले ये चैप्टर क्लोज करती उसके बाद आगे जाती मेरे ख्याल से। तो जी दिखाया यही है उसमें कि दिलनशी बाजी जो है वो ज़्यादा ही दीदा दिलेर हो गई हैं और वो निकल गई हैं हमजा साहब के साथ, और क्योंकि फितूर का कराची बहुत छोटा है, अगेन हैदर भाई भी उसी मॉल में गए होते हैं जहाँ पे दिलनशी, और मुझे समझ नहीं आती है ये कोई टीनेजर्स वाली वो डेट थी जो मॉल से उसको पिक करने आया था, बड़ी स्टूपिड किस्म की चीज़ थी। भैया आपने जाना था आप किसी जगह चले जाते वहाँ पे आप बैठते बात करते, पहली चीज़ तो वो पिक करते हैदर भी इतनी बड़ी मीटिंग मॉल में करने, वो डेलीगेशन को लेके आया था वो सारे चाइनीज और ऐसे डेलीगेशन तो किसी बड़े बड़े होटल्स में जाके बड़े फाइव स्टार किस्म का वो मॉल में कौन जाता है, शॉपिंग मॉल में कौन डेलीगेशन लेके आता है, वो भी बाहर से आया हुआ। वो फिर जी वापस आ, वो खैर उसको देख लेता है, उसे पूछता भी, उसको कोशिश करता है कि शायद वो बता दे, लेकिन वो गाड़ी में होती है वो बंद कर देता फ़ोन। वो जाते हैं वो उसको यही समझाने, हमजा उसको कोशिश कर रहे हैं हर तरह से मनाने की कि भाई तुम जो भी कर रही हो तुम छोड़ दो, यू डोंट नीड ऑल दिस, लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है शायद, क्योंकि जो उसके साथ पहले हो चुका है जो हमजा के पेरेंट्स ने किया था, क्योंकि अभी भी हमजा की अम्मी जान जो है सुधरी नहीं है। yes. अगर आपने पिछले एपिसोड देखा हमने डिस्कस भी किया था उसके अंदर भी वो कहती हैं कि जी मैं अभी भी नहीं करूंगी कभी शादी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे तो हाई स्टैंडर्ड और स्टाइलिश और ब्रांडेड लड़की चाहिए। पता नहीं क्या माँ पागल है, बच्चा मौत के मुँह से वापस आया था, बच्चा तेरा ड्रग्स लेता है, तुझे पता है कि ड्रग्स शायद वो छोड़ देगा अगर उसकी जिंदगी में वो चीज़ आ जाएगी जो वो चाहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो इस तरफ लग जाते हैं ना एट टाइम शायद अगर आप उनकी बात सुन लें मान लें प्यार मोहब्बत से उसको डील कर लें तो आई बिलीव वो बेहतरी आ सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अम्मी जी उनकी अड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमजा जो है वो खुश है कि दिलनशी उसके पास वापस आ रही है, और उसको पता है कि अब वो उसको वापस ही इज़ विनिंग हर बैक। वापस जाती है बड़े तरीके से, हैदर उससे कहते हैं कहाँ गई थी, कहती जी पार्लर गई थी, वो बड़ा वो तंजो मजाक वाला आपस में छोटे छोटे तीर मार रहे थे, वो खैर ऊपर आते हैं उसको कन्फ्रंट करता है, और अब तो दिलनशी इतनी वो यानी चिल सीन हो गया कि वो फोन अटेंड कर रही है, हालांकि दिखाया कि हैदर घर में ही है उस वक्त और फिर भी उसको कॉल कर रही है, और अब वो ज़रा खुल के आई है। और वो वाला सीन जो था जहाँ पर वो कहती है कि आप जो इल्ज़ाम लगाई जा रहे कर रहे हैं ये वो महमल के साथ, आपने आप चाहते हैं कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं मुझे घर से निकाल दें और महमल से शादी कर लें, वो कहता है भैया अगर मुझे महमल से शादी करनी है ना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो कहती मुझे भी अफेयर चलाना हो, यानी अब वो हो गया कि टिट फॉर टैट चल रहा है, वो वही वाला ना कि तू एक देगी मैं भी दो दूंगा, तू दो देगी मैं चार दूंगा, वो ये वाला सीन चल रहा है। अब वो ना इवन करना चाह रही है तो वो थप्पड़ मारने की कोशिश करता था वो उसको, हाँ इस दफा रोक लेती, शुक्र है रोक लिया, एक और चपेट वैसे होती ना तो मैंने जाके हैदर को चपेट लगा दी, हर बार ठीक है मुंह तो गल नहीं करी जाती। मेरे ख्याल से ना बंदे की जब वो होती है ना कि उसको लगता है कि उसके पास बात करने को नहीं, आप थप्पड़ तो बड़ी शुरू हो जाती है, ये बड़ी बदतमीजी है, खैर आई एम ग्लैड कि उसने रोका है। yes. और अब खैर वो खुले में उससे बातें शादी कर रही है, और दूसरी तरफ वो रिदा जो है वो अभी भी अपने भाई
कि आई बिलीव कि वो जिस तरह जाता है खुश होता है, और रिदा जो होती है उसको कहती है तुम अपने साथ ये करे वो करे हो, वो कहते हैं ये तो मुझे खुश नहीं देख सकती हो। उसको ये लगता है कि ना दिलनशी दोबारा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, थोड़ी देर के लिए आई है वापस चली जाएगी। भाई मेरी बात सुनो, दिलनशी ने ना पहले जिंदगी बर्बाद की थी, रिदा कोई छुन्नी काकी तो नहीं, उसको नहीं पता कि तेरे ही अम्मा अब्बा गए थे जिन्होंने उसकी जलील करके उसको उस लेवल पे जलील किया था कि अल्लाह ही माफ करे। लेकिन अब मुझे ना कहीं डर भी लग रहा है, आपने भी ये मुझे बताना है कि आपको लगता है कि ये हमजा वाकई में दिलनशी को अपनाएगा या वो भी अपना एक रिवेंज ले रहा है? नहीं नहीं वो अपनाएगा अली, लेकिन ये भी तो गेम हो सकती है, यू नेवर नो, पागल तो हो गया आधा। हाँ वैसे यू नेवर नो, ट्विस्ट आ सकता है, ट्विस्ट आ सकता है। उसको कह के हाँ ठीक है तुझे मैंने से छुड़वाना की था क्योंकि तू भी मुझे छोड़ के धुतकार के गई थी तो मैंने तुझे छोड़ दिया। तो मजेदार जा रहा है एपिसोड्स काफी फास्ट पेस्ड है। इसमें एक लिंक है कि दिलनशी उसे फोन पे पूछती है कि अगर मैं तलाक ले लूं तो कहीं तुम भी तो नहीं मेरे साथ ऐसा करोगे? उसे कहते नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया है राइटर ने कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, शी इज थिंकिंग अबाउट इट, रिलक्टेंट है। तो आपने भी बताने कि लगता है कि हमजा उसको अपनाएगा कि ये उसका एक रिवेंज है, कि उससे पीछे बदला लेना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है। खैर बहुत मज़ेदार किस्म का हो चुका है फितूर, एंड आई थिंक जल्दी रैप अप करना चाह रहे हैं इसलिए दो एपिसोड्स आ रही हैं पर वीक। बस अगर 10-10 मिनट का रिकैप ना दिखाएं ना तो ज़रा और भी जल्दी हो जाएगा। ओवरऑल अगेन हिबा बुखारी स्टोल द शो, शी वॉज रियली गुड, उसकी एक्टिंग, वहाज की, फैसल की, एवरी वन वॉज आउटस्टैंडिंग। सो ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है। आई होप आपको हमारे रिव्यूज़ भी अच्छे लग रहे होंगे। देखते रहें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।